बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे चटोरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी चटोरी शेफ सायरा, और आप देख रहे हैं सायराज क्यूरियस किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार सा तुर्किश पीडे बनाने जा रही हूँ। इसे हम तुर्किश पिज्जा भी कह सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार सा बनने वाला है। तो चलें देख लेते हैं इसे हम अपनी स्टाइल में किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, एक टेबल स्पून ईस्ट लिया है, ये इंस्टेंट ईस्ट है। एक टेबल स्पून शुगर, एक टेबल स्पून सॉल्ट, हाफ कप इसमें वार्म वाटर डालेंगे, चार टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम चार कप मैदा डालेंगे, ऑल पर्पज़ फ्लोर। ये 250 ग्राम का कप है। अब इसे हम क्लोज करेंगे और क्लोज करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें पानी डालेंगे। ये वार्म वाटर ही डाला जा रहा है इसमें ताकि ईस्ट को अच्छे से ये उठा ले, राइस करने में मदद दे। ये भी इस तरीके का है, एकदम टाइट है। इसमें 1/4 कप और पानी जाएगा। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये गुन गया है। ये देखिए, इस तरह का ही हमें चाहिए था ये। अब हम इसे राइस होने के लिए रखेंगे। इसके अंदर 1.5 कप पानी गया है, यानी 250 ml प्लस 1/2 कप पानी गया है। ये देखिए, अब थोड़ा सा मैदा इस पर डस्ट करेंगे हम, और ये जो हमने आटा गूंदा था इसको हम इस तरह से अपने पाम से इस तरह से हथेलियों से इसको 15 से 20 मरतबा इस तरह से करके सॉफ्ट कर लेंगे, गूंद गूंद के। इस हिस्से से आपको करना है, इस तरह से पूरा राउंड बना लेंगे और इसको इसमें बॉल में डाल देंगे। थोड़ा सा तेल हाथ में लगा के इसको हल्के से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से ताकि सूखे नहीं। इस तरह से इसको प्लास्टिक से पैक कर देंगे ताकि अच्छा वार्म रहे। हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए किसी भी वार्म प्लेस पे राइज होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलें, जब तक के डो राइज हो रहा है जब तक के हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। फ्राई पैन हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, 1 टेबल स्पून गार्लिक डालेंगे। ये चॉप कर दिया है गार्लिक मैंने, इसकी हम स्मेल ले लेंगे। अब ये मैंने 1/2 किलो मटन का कीमा लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। इसको वाइट होने तक पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 3 टेबल स्पून टोमेटो का पेस्ट। इन सबको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिल्ली का पेस्ट डालेंगे, जो हम घर में बनाते हैं सूखी लाल मिर्च को गीला करके पीस के। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम ढक करके 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे ताकि सारा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। अब इसे हम खोलेंगे और इसे भून लेंगे ताकि सारे फ्लेवर इसके अंदर चले जाएं। अब हम बीच में थोड़ी सी जगह बनाएंगे और थोड़ा सा 2 टीस्पून तक के इसमें तेल डालेंगे। साथ ही साथ इसमें हम 1 प्याज को चॉप करके, एकदम फाइन चॉप करके डालेंगे। इसमें जाएगी चॉप की हुई रेड कैप्सिकम, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर और ग्रीन बेल पेपर, और इसमें जाएगा फाइन चॉप किया हुआ 1 बड़ा टमाटर। इन सबको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें इन सब के हिसाब से जाएगा
सॉल्ट, एक टीस्पून ज़ीरा पाउडर। आप जितना स्पाइसी पसंद करते हैं उस हिसाब से इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर डालिएगा, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर जाएगा। इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इसे तेज़ आंच पे भून के इसका पानी सुखा लेना है। इसको थोड़ा स्पाइसी ही रखिएगा क्योंकि हमको ये पिज़्ज़ा की तरह खाना है, तो स्पाइसी रहेगा तो ये अच्छा लगेगा। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर और एक टेबल स्पून लेमन का जूस। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और अपनी गैस को बंद कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस चटपटी सी एकदम हमारी टॉपिंग तैयार है। ये देखिए हमारा डाव कितने अच्छे से राइज हो गया है। इस तरह से हम काउंटर को डस्ट करेंगे और अपने डव को निकाल लेंगे। ये देखिए कितना स्मूथ और कितना मज़े का बना है। अब हम इसे इस तरह से इसकी हवा निकालेंगे। अब हम इसको इक्वल डिवाइड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम सारे बाउल को बना के रख देंगे। ये देखिए इस तरह से हम बॉल बनाएंगे और इसको इस तरह से हम ढकेंगे और ढक के रख देंगे। अब एक एक बॉल लेंगे और इसको बेल लेंगे, बाकी को ढक के रख देंगे। अब इसको डालेंगे, इस तरह से दबाएंगे और इसको इस तरह से बेल लेंगे। इस तरह से हमको ओवल शेप में इसको बेलना है। अब इसके अंदर हम अपनी फिलिंग डालेंगे। किनारे पे नहीं डालना है हमें, बीच में डालना है क्योंकि किनारी जो है वो फोल्ड होने वाली है, इसलिए कहा था कि स्पाइसी रहेगा तो मज़ेदार बनेगा। अब इस तरह से हमको इसको फोल्ड करना है। ये इस तरह से उठा के कॉर्नर को दबा लेना है ताकि कॉर्नर से बाहर ना निकले। ये देखिए इस तरह से हमें अमेजिंग सा शेप तैयार कर लेना है। ये देखिए हमारी इतनी चटपटी सी डिलीशियस सी बोट तैयार है। अब इसे हम बेकिंग ट्रे पे रख देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी सी चीज़ डालेंगे, थोड़ा सा ऑरेगानो डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे। अब इसको भी फोल्ड कर देंगे। ये हो गई हमारी दूसरी टॉपिंग। ये हमारी सबकी फेवरेट टॉपिंग हो गई। ये मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। ये आप इस तरह से जब आपके बच्चे कीमा ना खाते हों तो आप उन्हें चिकन खिला दीजिएगा। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी चीज़। अब इसके ऊपर डाल देंगे मैरिनेट की हुई पकी हुई चिकन। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। इसके ऊपर थोड़ी सी और चीज़ डाल देंगे। अब इस तरह से इसके ऊपर कैप्सिकम सजा देंगे। अब इसकी बोट बना लेंगे। अब हम एक एग योक लेंगे, सिर्फ येलो पार्ट, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक मिला दिया है और इसको हम लगा देंगे इस तरह से। अच्छा, हमने अपना ओवन जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया था 200 डिग्री पे। हम 20 मिनट उसको प्री हीट कर लेंगे। इसके ऊपर हम ज़रा सा नज़र का काला टीका लगा देंगे। ये कलौंजी है, इसे इस तरह से आप इस पर छिड़क लीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है क्रिस्पी होके। एक के ऊपर हम सफ़ेद तिल छिड़क देंगे और एक के ऊपर हम एक ब्लैक तिल छिड़क लेंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑरेगानो छिड़क लेंगे और इसके ऊपर भी छिड़क लेंगे। तो चलें अब इसे रख लेते हैं बेक करने के लिए। अब इसके ऊपर हम बटर का ग्रीस कर देंगे, ये शाइन बहुत अच्छी आएगी और इससे फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। इस पर भी हल्का हल्का लगा देंगे तो इसके अंदर भी मस्त बटर का फ्लेवर चला जाएगा।
बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस बना है। वैसे तो इसमें कच्चे कीमे के साथ सारी चीज़ें मिक्स करके बनाई जाती है, लेकिन हमें ज़रा कच्चा कीमा पसंद नहीं है, इसीलिए हम इसे पका के डालते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही फ्लेवरफुल है, इसे एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिन जिन प्यारे चटोरे दोस्तों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे शेयर कीजिए। ऐसे ही मज़े मज़े की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। बेल आइकॉन ऑल पे दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि मेरी जो भी नई अपडेट आए वो आपको फौरन मिल जाए। चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।